students. Now we want to perform the insert of this process. So making a change of insert text property of the button, that is insert. And in the sign up form only, we want to create a new user. So double click on it. Already you know that one. We need to library file using system.data, using system.data.sql client. Then after we are making a connection string copy by this SQL connection, cm equal to new SQL connection, and that connection is there. Then cm.open, this is the connection part. Today we would like to explain you the concept about command. So first of all, cm.open is required. Let you know variable. cm.close is required, semicolon. Friends, before we explore the thing, right click, show table data. So how many records are already available, and then after we will perform the insert query. And when we insert the new query, look, there is only a single record is there, Dr. Abhijit. The number is 9, CP is Pune, and percentage is 87.76. Please mute yourself, please. So in this insert button coding, we would like to need the command. SQL command equal to SQL command CMD. This is an object, new SQL command, semicolon. It is a very easy task, as you know in VB.NET also. For insert process, we require connection and command. And I will definitely add insert over here. So don't forget the Dadaji or CM, because at that time also I already discussed with you that when you are performing insert, update or delete, it is necessary that CM should be there, because whatever the process we are doing over here, insert into table ka naam aayega. और आप जानते हैं टेबल का नाम और फील्ड की गलती ना हो इसलिए मैंने ये सर्वर एक्सप्लोर खोल के रखा है. एसवीटी वैल्यूज मैंने लिखी है और यहाँ पे मैं डायरेक्टली अब डेटा टाइप के हिसाब से इंसर्ट क्वेरी लिख दूंगा. और इंसर्ट क्वेरी लिखने के बाद सीएमडी डॉट एग्जीक्यूट नन क्वेरी जब हम लोग ये लिख लेंगे तब ये इंसर्ट कमांड है वो वर्क करेगा. पहला जो डेटा टाइप है वो नंबर है, एन कैर है. दूसरा डेटा टाइप है वो सब वैक्यर है. शो टेबल डेफिनेशन करके आप उनकी जो फील्ड्स हैं वो देख सकते हैं. ये डेसिमल है, ये एन कैर है. सो एंड यू नो वेरी वेल, जब भी न्यूमेरिकल आए डबल इन्वर्टेड चालू, डबल इन्वर्टेड वन, प्लस प्लस चालू, और टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे मैं कॉमा कर दूंगा. मेरे पास चार टेक्स्ट बॉक्स हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी. ओके, ये टेक्स्ट बॉक्स टू मैं कर रहा हूँ. यहाँ टेक्स्ट बॉक्स थ्री करूंगा, यहाँ टेक्स्ट बुक्स फोर करूंगा. और हम लोगों ने VB.NET जब पढ़ा तभी भी बोला था, जब वेयर केयर आता है, स्ट्रिंग डेटा आता है, तो सिंगल चालू सिंगल बंद, डबल चालू डबल बंद, एड्रेस चालू एड्रेस बंद आता था. यहाँ प्लस साइन किया, यहाँ सिंगल कोट मैंने ले लिया है क्योंकि स्टूडेंट का नेम है वो वेयर केयर में है. सेम स्टूडेंट का सिटी नेम भी वेयर केयर है, तो मैंने यहाँ एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया है. और लास्ट तो जो परसेंटेज है वो न्यूमेरिकल में ही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है. सीएमडी डॉट एग्जीक्यूट नन क्वेरी, इंसर्ट अपडेट डिलीट करने के लिए ये चीज है. और मैं यहाँ से एक मैसेज बॉक्स है उसकी कॉपी करना चाहूंगा, कंट्रोल वी करूंगा, और रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली ऐसा मैसेज प्रिंट करवाना चाहूंगा.
So done. Insert के लिए connection open, connection close. Command class table का नाम लिख दिया है, field के नाम लिखने की जरूरत नहीं है. और उसके बाद insert query लिखी गई है. Insert query इसके अंदर इतना ही याद रखिए, जो भी numerical है उनको double साल double one plus plus और tool का नाम. और यदि आपकी data type है वो varchar है, text है, single साल single one double साल double one और plus plus के साथ. इस पार्ट को एग्जीक्यूट करना चाहूंगा मैं. ये साइन अप फॉर्म हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है. आप जानते हैं ये ब्राउजर में कुछ ही देर में लोड होगा और हम एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे. 9 नंबर पे डॉक्टर अभिजीत है. यदि कोई एरर होती तो वो सिंटेक्चुअल एरर मुझे पहले ही बता देते, बट सिंटेक्चुअल एरर है नहीं. कनेक्शन इज ओपन, ये मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग है. रोल नंबर में डाल रहा हूँ 3 नंबर. युग हम एंट्री में जेयूएनए जीए जूनागढ़ एंड परसेंटेज डालना चाहूंगा. इंसर्ट पे क्लिक किया मैंने. ओके, वो कनेक्शन चेक करके आया है, इसलिए पहले कनेक्शन क्लोज होना चाहिए फिर कनेक्शन ओपन. क्योंकि आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे कनेक्शन ओपन मैंने लिखा हुआ है, तो वो कनेक्शन क्लोज नहीं हुआ था. तो यहाँ पे मैं फॉर अ सेफ्टी साइड कनेक्शन क्लोज लिख दूंगा. अब इस फॉर्म को एक बार रन करेंगे ताकि ये जो एरर आई वो एरर नहीं थी, एक्चुअली एक वार्निंग थी. अब कनेक्शन क्लोज होगा, फिर ओपन होगा और फिर वो काम करेगा. सो कनेक्शन ओपन है वो उसने दिखा दिया. टेकिंग टू युग जूनागढ़ 99.67 कनेक्शन इज ओपन आया. रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली आया. रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली आ गया. अभी हमको चेक करना पड़ेगा और वो चेक करेंगे. बंद कर दिया हुआ है. यहां जाके इसको रिफ्रेश करेंगे. रेड कलर का जो ऊपर एक्सक्लेमेशन साइन होता है, तो यहाँ पे आपने देख लिया 2 नंबर रोल नंबर में ये प्राइमरी की है, इसलिए 2 नंबर ऊपर आया युग जूनागढ़. नाउ वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड द इंसर्ट क्वेरी. इफ वी वांट टू परफॉर्म द सिलेक्ट क्वेरी व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस थिंग, दिस पर्टिकुलर ग्रिड व्यू इज रिक्वायर्ड विथ all the records that we already inserted. So let me start. Okay, I make a format of a grid view by just click on the right part, auto format, where you can select any predefined layout, but professional layout is very attractive, so we are taking it. Now this is no require about connection open and connection string, friends, because each and every time whenever I execute the form, each and every time server side this form will go and it will show me the message. So I am deleting this code because we already learned from my own channel videos that is how connection work. So I am removing, and if I remove then there is no need of connection close over here. I am taking one method I call public void btccs. This method, user defined method I generated, where
in form load event, this BPCC is called, and it will pick up all the records from my database. I have now two records. Previously, it was just 9 Abhijit. Now, two records are there, number 2 Luke, number 9 Abhijit. So, cn.open, I require. cn.close, I require. अभी आप देख सकते हैं डेटा सेट डीएस डिक्लेयर हुआ है इक्वल टू डेटा सेट उसकी केस सेंसिटिविटी देख लीजिए डेटा सेट एसक्यूएल डेटा एडाप्टर डीए डिक्लेयर किया गया न्यू एसक्यूएल डेटा एडाप्टर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एस डिटेल टेबल का नाम यहां चेंज करना जरूरी है बिकॉज़ एस डीईटी इज देयर नाउ फ्रेंड्स इट्स अ परफेक्ट बीपीसीसीएस मेथड वेयर all the form, all the record of as detail will load. We are executing this particular part and you can see that two records are available. I'm entering number 7. Wait. Pune. मैंने इंसर्ट कर दिया रिकॉर्ड रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली आ गया बट वो यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ आप देखिए डेटाबेस में जाके जब मैं इसको स्टॉप करके एग्जीक्यूशन करूंगा क्योंकि आप जानते हैं डेटाबेस के अंदर ये रेड एक्सक्लेमेशन साइन है वो एग्जीक्यूशन करेंगे तो 7 नंबर है वो 2 और 9 के बीच में आ गया है सो व्हेन एवर आई execute insert performance automatically this code can work if we want to do this we have ready made BPCCS code and BPCCS method so I am nothing to do just making a copy after connection close I am making paste over here and since now insert command is completed along with this example look carefully 279 I am entering 5 entering student name Aniket Junagar 95.88 and when I insert the record inserted successfully and then after you can see that one on my 5th record Aniket Junagar 95.88 is working properly but here this particular text box is not clear so if we want to perform this thing after that BPCCS call textbox 1.text equal to khali means empty there is no clear method in ASP.NET friends do 3, 4 stop and once again we are executing this thing we are entering 3 Jayesh city I am taking Delhi 91.44 look and properly observe this insert command or insert query is completed record inserted successfully the text box is clear and number 3 Jayesh Gupta's record is added with the 3 number Jayesh Delhi and 91.44 so friends along with this example you learn not only the insert command with the use of SQL command but by this way you understand what is data adapter what is data set how we can load all the records from our backend on load event as well as when we perform the insert query that after insert query the same BPCCS method or function call and each and every time I can get it all the records If we want to check it out, all the record is inserted or not, we stop it.
I execute this thing by the exclamation sign of a database that you know very well. And when I refresh it, you can know that one Jayesh record is there, Aniket record is there. Previously, it was only three record, Luke, Veer, Dr. Abhishek. And one thing I would like to clarify about it is whenever you are making entry of a database, you must care about this size, where care 30, so I can enter 30 characters name, where care city, the city name maximum 20 characters, and N care, that is very important. What is the difference between N care and integer? I would like to perform in front of you. N care means numerical character. Sign up. I'm entering 12 number record. Bhavesh Joshi. And I'm giving the city Jaipur. It is 7.99%. Please kindly observe this thing. Not 12, but I'm taking 22. So 22 is a roll number. Insert record successfully. 22 should become the lower level, last after Dr. Abhishek, because as per primary key order, 22 is that thing. But you can easily understand that 2 number you is that N care data type, N character, numerical character. So it will be not applicable that if you are taking N care data types, your all data is in order properly. Whenever I insert 2, 9, 5, 7, 3, all that particular data is arranged in a proper way because it is a primary key. But when I enter 22, Bhavesh Joshi, his name or his record is after you because the data type is not integer. The data type is N character. So N character is this data type, where you should take care for this. If you want to take auto increase and all that things, you should take it data type as integer. One more thing that I would like to suggest to you whenever you develop the ASP.NET project. So, right, show table definition. I want to change this data type into integer. Look, in, I close it. Yes. It is a big issue in ASP.NET. Once you decide the data type, it will be difficult to change. This is inbuilt SQL. If you want to take MySQL like PHP, just happen PHP can then MySQL padha. MySQL is a separate database, it's a server side. But yadi aap inbuilt SQL ka use karte hain, jo server explorer ke andar se hi banaya jata hai, jiska extension .mdf hota hai, it is little bit difficult to update the database, to update the data type, to update even the change the size of the field also. I close it. I have to take it now N care only. It will consider when I close it. Yes, it is accepted because in a cache memory it was as N care. But if I try, I want to try to make it integer. You can see that there's a warning message is there, and if I make it, the database changes will be saved as a text file, log file. So along with this, this is Dr. Abhijit Singh Jaleja from BCA-501. Thank you so much to being with me to understand the insert command. Thank you so much.